नमस्ते किसान भाइयों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज हम लहसुन की खेती के लिए दूसरा वीडियो ला दिए हैं और दूसरा वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन में लगने वाले अनेक रोग और हमारी लहसुन में हम उपज को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं और क्या क्या उपाय नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने झुलसा रोग के लिए और थ्रिप्स के लिए जो दवा बताए थे, आशा है आपको समझ में आया होगा और उसका प्रयोग करने से काफ़ी आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों बता दें कि मार्केट में भी जो हमारे इस साल जो लहसुन का भाव है काफ़ी अच्छा है। अगर आप लहसुन बोए हैं तो इस साल काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है, तो काफ़ी मुनाफा होने वाला है और हम मुनाफे को मतलब देखते हैं तो कुछ नहीं तो हमारे जो साइड उत्तर प्रदेश में जो हमारे स्टेट के साइड चल रहा है दोस्तों, तो वो हमारे यहाँ 40,000 से 50,000 तक चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आज हम बताएंगे कि अगर हमको 2,000-3,000 रुपये अधिक खर्च करना पड़ जाए, 10,000 रुपये अधिक खर्च करना पड़ जाए और 10,000 से हमको 20,000 मुनाफा हो रहा है, तो 10,000 तो हमको कैसे भी मुनाफा हो ही रहा है दोस्तों, तो हम उपज को कैसे बढ़ाएँ और ये कौन सा स्प्रे करें कि हमारा जो उपज है काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी हद तक मतलब ज़्यादा उत्पाद दे हमको। तो हेलो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी आज, और हमारा वीडियो में अभी आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य किसान भाइयों के यहाँ हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको लहसुन की अगर खेती अगर वो लोग लहसुन की खेती किए हैं तो काफ़ी अच्छा उन लोगों को प्रोडक्शन देखने को मिले। अभी हम बात इसके पहले जो वीडियो में हम बात किए थे दोस्तों 60 से 100 दिन के बीच में बात किए थे, लेकिन हम अब 100 से 115 दिन के बाद की बीमारी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बता दें कि 100 से 115 दिन के बाद की बीमारी से अगर हमको बचाना है, पौधों को अगर बचाना है तो काफ़ी ज़्यादा हमको जो मतलब है प्रबंधन करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अभी जो हमारा है तापमान तेज़ी से मतलब ग्रो कर रहा है। अभी हम अभी जो हमारे स्टेट में है अभी सुबह में बारिश हो रहा है, शाम तक फिर बहुत तेज धूप हो जा रहा है, फिर रात में बारिश हो रहा है, फिर धूप हो जा रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे अभी भूमि में नमी बना रहता है, फिर उसमें धूप मिलता है, फिर नमी बनता है, तो हम पत्ती का जो पीला मतलब पीला धब्बा रोग है और झुलसा रोग है काफ़ी तेज़ी से फैल जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से फैला हो रहा है। अगर आपके खेत में नहीं आया है, आपके बगल के किसान के खेत में अगर थ्रिप्स जैसे कोई कीट आ गए, मतलब थ्रिप्स की कीट लग गए हैं या झुलसा रोग लग गया है तो आपके खेत तक ना आए, इसके लिए आपको अभी से प्रबंधन करना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि थ्रिप्स और झुलसा बता दें दोस्तों कि बहुत ही खतरनाक रोगों के मतलब ग्रुप में ये आते हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें हम कि जो हमारा झुलसा रोग होता है इसमें पत्ती ऊपर से झुलस के और नीचे की ओर झुकने लगता है, ऊपर से एकदम पीला हो जाता है और या हल्का रेडिश हो के ब्राउनिश और वो नीचे तरफ झुलस के और नीचे की तरफ आने लगता है, जिसे हमारे मतलब जो लहसुन की खेती है उसमें अच्छा ग्रो नहीं हो पाता है। और उसके बाद से दोस्तों जो और दूसरा रोग लगता है वो पत्ती का बैंगनी धब्बा रोग लगता है, जो पत्ती में बैंगनी धब्बा होता है वो पत्ती के बीच में बैंगनी कलर का चिप जैसे चिपटा चिपटा सा बैंगनी धब्बा धब्बा के जैसे बैंगनी कलर का वो धब्बा लग जाता है। वो दोस्तों हम बता दें कि पूरे खेत में नहीं फैलता है, लेकिन कहीं कहीं मतलब हर एक खेत में हर मतलब कुछ दूरी पे मतलब 1 से 2 कदम दूरी पे भी रोग हमको देखने को मिलता है। तो इससे भी दोस्तों बता दें कि इसमें पत्ती का जो नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जो हमारा पत्ती है हमको नॉर्मल सी बात है, हमको पता भी है कि पत्ती से जो है हमारा फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस होता है तभी हम लोग को हमारे पौधा जो होता है हमारा फसल होता है उसको भोजन अच्छे से आदान प्रदान हो पाता है। दोस्तों इससे पहले भी हम वीडियो में बताए थे कि हम जो फोटो मतलब जितना हमको पोषक तत्व तो देना है और जितना हमको DAP और देना है उतना हमको फसल को देना चाहिए। अगर हम उससे अधिक भी अगर पोषक तत्व फसल को देते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हमारा जो तापमान बढ़ रहा है तापमान बढ़ते के अनुसार हमको पौधे को अधिक से अधिक पोषक तत्व देना चाहिए, ताकि हमारा पौधा अगर हम पिछले वीडियो में बताए थे कि पौधा अगर 1 से 1.5 महीने और हरा भरा रहता है तो हमारा जो कंद है उसका काफ़ी अच्छा साइज हो जाएगा, काफ़ी अच्छा उसका मतलब कंद काफ़ी बड़ा बड़ा होगा और हमारे मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा। तो जो होता है
फोटोसिंथेसिस से ही हमारा भोजन तैयार होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि झुलसा रोग होता कैसे है। दोस्तों अभी जो हमारे मतलब लास्ट दिसंबर और पूरा जनवरी में हमारे खूब ज़्यादा मतलब शीतलहरी देखने को मिला, शीत ऋतु था, शीतलहरी देखने को मिला और हमारे भूमि में काफ़ी अच्छा नमी भी रहा। लेकिन किसान भाइयों को पता ना होने के कारण भूमि में नमी रहता है शीतलहरी के कारण, उसके बाद भी अगर सिंचाई कर देते हैं तो उसमें हमको झुलसा रोग देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि झुलसा रोग जो है उसको रोके कैसे दोस्तों। तो रोकने के लिए दोस्तों हम बता रहे हैं जो हमारा पहला दवाई होता है वो पहला दवाई जो है बायन कंपनी का है दोस्तों, लूना एक्सप्रेस है। और उसको जो प्रयोग करने का जो विधि है लूना एक्सप्रेस का, 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से इसको हम छिड़कते हैं दोस्तों। पूरे 1 हेक्टेयर की दर से हम इसको दवा को मिलाते हैं, जैसे 1 लीटर पानी में 2 ml दवा को डाल के और हम छिड़काव करते हैं तो हमारे पूरे 1 हेक्टेयर खेत में कितना पानी लगेगा उसके हिसाब से दवा को मिला के, उतने ml दवा को मिला के हम खेत में छिड़काव करते हैं। इसमें जो दूसरा जो दोस्तों आता है वो है नेटिवो आता है। नेटिवो का भी हम अगर छिड़काव करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा हमको देखने मतलब इसका भी अच्छा हमको बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव देखने को मिलता है झुलसा रोग में। और जो तीसरा दवा आता है दोस्तों, अगर आपको मार्केट में ये दोनों दवा नहीं मिलता है तो कस्टोडिया जो दवा आता है उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। अगर कस्टोडिया नहीं आ रहा है दोस्तों तो हम जो प्रोपाइन का एस्ट्रोकुल के नाम से जो दवा आता है उसका हम छिड़काव करेंगे। और हम इस दवा को अगर हम छिड़काव करते हैं अगर इस मतलब जो नेटिवो है दोस्तों उससे कस्टोडिया काफ़ी और अच्छा है। और कस्टोडिया से भी अगर हमको अच्छा दवा लेना हो और अच्छा दवा मतलब छिड़काव करना हो जिससे तुरंत हमको 5 से 10 दिन में उसका जो है देखने को मिले, जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो प्रोपाइन का एस्ट्रोकोल के नाम से जो दवा आता है उसको हम छिड़काव करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों थ्रिप्स के बारे में। थ्रिप्स के लिए हम इससे पहले भी वीडियो में आपको बताए हैं कि थ्रिप्स के रोकथाम के लिए हम क्या क्या करें, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको कि थ्रिप्स जो होता है दोस्तों लेसेंटा जो दवा आता है, हम इसको पहले इसको बताए भी थे लेसेंटा दवा को, और उसमें लेसेंटा दवा में हमको साइलोथिन जो दवा आता है लेमड़ा साइलोथिन उसको मिला के हम उसको छिड़काव करते हैं। अगर इससे भी हमको अच्छा और तगड़ा दवा लेना है तो टार्सस का हम जो दवा आता है टार्सस उसको हम लेके और छिड़काव करते हैं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों बता दें कि हम जो है खेतों में पीजीके का छिड़काव करते हैं जो बहुत ही अच्छा छिड़काव माना जाता है। अगर हम हमारे फसल में मतलब ज़्यादा मतलब हम फसल को जितना पोषक तत्व और जितना कार्बनिक पदार्थ हम और जितना भी खाद उर्वरक दिए हैं उससे फसल का जो है तना काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने के बाद से अभी तक भी कलियां निकल रही हैं और जो तना मोटा हो गया फटने के कगार पे आ गया है और कलियां उसमें से नई नई कलियाँ भी तने से निकल रही हैं, तो उसमें हम पीजीके का मतलब छिड़काव करेंगे जिससे ये सब को ये रोकता है और हमारे कंद का जो है अच्छा विकास होता है। तो इसमें जो दोस्तों पहला दवा आता है लिहोसिन आता है, इससे भी अगर हम लोग को नहीं मतलब इसके छिड़काव से अगर नहीं मतलब प्रभाव देखने को मिलता है तो हम इसमें दूसरा दवा इससे भी टॉप जो दवा आता है इससे भी जो अच्छी दवा आता है वो कल्टर आता है, उसको भी कल्टर और ट्यूबोली जो दवा आता है उसको हम छिड़काव करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारा जो दवा है अभी हम एनपीके का इसमें छिड़काव करेंगे। अभी जो हम एनपीके 0-52-34 का छिड़काव करते रहेंगे, बाद में इसको 1-3 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। प्रति हेक्टेयर की दर से हम पानी में घोल के और 0-52-34 एनपीके है इसका छिड़काव करेंगे। अगर हम खेत में सिंचाई करते हैं तो 0-0-50 का जो 0-0-50 एनपीके है उसका हम छिड़काव अपने लहसुन की खेती में करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान दोस्तों।